एक सेकंड मारी खाना है ना ले रही थप्पड़ जड़ दिया। हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल, वेलकम बैक विद द अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग मजे में होंगे। तो आप लोगों की फरमाइश पे जी अगेन हम सलमान खान के सिग्मा रोल्स पार्ट टू लेकर आ गए हैं। पार्ट वन पे हमने रिएक्शन दिया था सलमान खान सिग्मा रोल्स, और क्या वाकई वो सिग्मा रोल्स थे, सलमान खान की पावर और उन सब चीज़ों की हमें वो सारी हकीकत खुल के सामने आ गई है। भाई सलमान खान जो है ना बॉलीवुड का कह लें कि एटीट्यूड, हाँ एटीट्यूड बहुत है उसमें भाई ज़बरदस्त। पार्ट वन में हमें जो उसकी जो सलमान खान का आईक्यू लेवल है, जैसे वो शार्प रिप्लाई कर रहा है और कितनी अपनी ज़हनियत की वो क्या कहते हैं हाजिर दिमागी कमाल की है सलमान खान की। तो पार्ट टू है जी सलमान खान सिग्मा रोल्स, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो चलें जी फिर बिना वक्त जाए कि ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। सल्लू भाई, सलमान भाई, सबका भाई, मैं कोई शक नहीं है। सोनम आज डिसाइड करो कौन हैंडसम है ज्यादा, सलमान भाई के अनिल सर। अगर कोई और हीरो तो बैठता होगा तो मैं 100% बोल देती कि डैड। अभी फिल्म तो हो गई ना, कंप्लीट आप लोग घर जा रहे हैं। अपने बाप को पीछे छोड़ के सल्लू का कह दिया। सलमान खान ऐसे आए, देखिए प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं मैं आपसे नहीं पूछूं, कुछ भी पूछो सर। मुझे लगा ऐसे कैसे प्रोग्राम होगा, मैंने ऋतु जी से कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि ये शो के अंदर भी टेढ़ा हो सकता है। सलमान भाई कैसे करेंगे आप? रणवीर सिंह को अगर तंग करना होगा तो मैं उसके वार्डरोब में थोड़े नॉर्मल कपड़े डाल दूं। सलमान खान उनको कैसे परेशान करेंगे आप? He said that, you know what, I don't want nice girls to fall in love with me. I said, why would you want to say that? Saying because I don't think I'm a nice guy. थप्पड़ जड़ दिया। बिग बॉस ऐसे नहीं अपने शो का भी नाम रखा होगी। मैं आपको मनाऊंगा भी नहीं अभी बोलेगा, और मैं आपको मनाऊंगा भी नहीं। क्या आपके पास कोई कारण होगा? मैं कारण भी ये नहीं जानना चाहूंगा। कारण मींस रीजन करता हूं, पर इंडिया को कोई नहीं कर सकता। मैं मेरा गाली ला सकता हूं और वो कोई भी नहीं कर सकता है। अरे भाई हिंदुस्तान का या विदेश का हर घोड़ा ये करता है। घोड़े तो मिला दिया, जैसे पूंछ बढ़ाते नाखून बढ़ाते, तुम ये करना मेरा एक टैलेंट है जो कि हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। बेइज्जती कर दी बेचारे की। ऊपर से करते हो या नीचे से भी एक साइड से होता है? ऊपर से होता है। ये ईशा को ज्यादा पता होगा। टाइगर 3 की है ना प्रमोशन है, लाइफ में सिग्मा बन के रहने का। What's the most romantic thing you've done? Nothing. पता नहीं कि चक्कर के अंदर pulling chairs and all. ये man and woman equally pull your own chair यार. Man and woman can you open your own door? समझ नहीं आया क्या बोला? सल्लू भाई. सर आए दिन गोरी लड़कियों से इनकम करते रहते हैं। आपको अच्छा लगता है?
सिगुबारी बस खत्म। हाँ इतना जल्दी यार इसके खत्म हो जाते हैं सिगुबारी। 4 मिनट की वीडियो थी और पता भी नहीं चला खत्म हो गई यार। क्या आईक्यू लेवल है सल्लू भाई का, हर एक को एपिक रिप्लाई दिया। क्या जबरदस्त आईक्यू लेवल, हाजिर दिमागी, सल्लू भाई से बढ़ के किसी में नहीं है ना पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा। एक तो सलमान खान पाकिस्तान का भी था ना, पाकिस्तानी डुप्लीकेट सलमान खान बड़े आए हैं, बल्कि इनके डुप्लीकेट इतने कॉपीज हैं इंडिया में, पाकिस्तान में काफी ज्यादा लोग हैं। लेकिन एक फेमस हुआ था पाकिस्तान में, उसको मैंने रियल में भी देखा था लिबर्टी में, मॉर्निंग शो में भी वो अपना उसको बुलाने लग गए थे, उसकी जान पहचान काफी बन गई थी पाकिस्तानी सलमान खान, लेकिन वो कॉपी थी, रियल तो फिर रियल होता है, लेकिन काफी रिजेम्बलेंस थी ना इसके साथ। वो कहते हैं ना हर इंडस्ट्री में एक बंदे की जान पहचान होती है, उसकी बात मानी जाती है, उसका रोब दबदबा होता है। सलमान खान का बॉलीवुड में जो रोब और दबदबा है ना, वो किसी और का नहीं है, इवन के शाहरुख खान का भी नहीं इतना, जितनी अपना सलमान खान ने जितनी हीरोइंस को हिट किया हुआ है, ये नई नई हीरोइंस को सामने लाना और उनको प्रमोट करना, इसमें सलमान खान का बहुत बड़ा हाथ है। ये छुपा हुआ टैलेंट जो है वो सामने लेकर आते हैं, और स्पेशली अपना एक्ट्रेस को लेके आते हैं, नई नई एक्ट्रेस जो हमें देखने को मिलती हैं, ये सलमान भाई की वो क्या कहते हैं उनकी फाइंड होती है। आज का जी सिग्मा रोल सलमान खान का हमें तो बहुत पसंद आया है, आई होप कि आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।